अरे क्या एक चाय मिल जाएगी? तेरे बाप ने ना गाय भैंस नहीं पाल रखी यहाँ पे, चाय मिल जाएगी क्या? मैं दफ्तर से घर आ गया हूँ। मैंने कहा मैं थक हार कर दफ्तर से घर आ गया हूँ, कोई मुझसे पानी पूछेगा या सब मर गए हैं यहाँ? मैं 55,000 रुपए लेकर घर आया हूँ। तनख्वाह? अरे लाओ लाओ राशन पानी कुछ दे रहे। अरे दे दो मेरी कोचिंग की फीस। इस नोट की गड्डी की औकात एक ग्राम विकास अधिकारी से ज्यादा है क्या? ये नोट की गड्डी सबको दिख रही है पर ये ग्राम विकास अधिकारी नहीं नजर आ रहा किसी को। गड्डी तो महीने में एक बार आती है, तुम तो बेशर्मों की तरह रोज चले आते हो। मैं रोज जाता हूँ इसीलिए ये नोट की गड्डी इस घर में आती है। अब रोज जाऊंगा तो रोज आऊंगा भी। चलो अच्छा है, इस बहाने घर में शांति तो रहती है। और मैं भी दो चार गर्लफ्रेंड ला पाता हूँ घर में। ठीक है तो कल से मैं इस घर में नहीं आऊंगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस गड्डी भेज दिया करो। एक ग्राम विकास अधिकारी की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। तो आज हो गई ना, तो मुंह बंद कर लो अपना। इस नालायक को पैदा करने से अच्छा होता कि घर में एक कुत्ता पाल लेता मैं। तो ध्यान रहे, कुत्ता काट भी लेता है। और मैं जो बचपन से एक बैल के साथ रह रहा हूँ उसका क्या? क्या कहा? बैल, बैल बोल रहा है तुम्हें, बैल बुद्धि हो एकदम। मेरे बाप की गलती थी कि मैंने तुम जैसी ताड़का से शादी करी और ये दुर्योधन जैसी औलाद पैदा हुई। और ज्यादा टें टें करी तो अभी के अभी इस घर में महाभारत कर दूंगा और उठा के फेंक दूंगा दोनों को इस घर से बाहर। समझ गए? मेरा पैजामा कहाँ है? सूखने डाला है बाहर। कल तुमने धोया था, 24 घंटे में भी नहीं सूखा। हाँ तो सूख गया था, अब रात को बारिश हो गई, मेरी क्या गलती, फिर भीग गया। तो रात में उठाया क्यों नहीं? बोला था मैंने इस कंजर को। वो मेरी एक डेट थी तो मैं भूल गया। भूल गया? तो अब क्या ये ग्राम विकास अधिकारी आज रात नंगा सोएगा? छी छी छी, फिर तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ना सोऊं। कल मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड होगी, तुम कहीं और सोना बुढ़िया। इस घर में अगर कोई गर्लफ्रेंड लाएगा तो सिर्फ एक ग्राम विकास अधिकारी। अच्छा जी, फिर तो मैं अपने जिम वाले को ले आऊंगी। तो मेरी भी दो तीन गर्लफ्रेंड आएंगी फिर तो। ये घर मेरा है, यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे तुम्हारे मरने के बाद ये घर मेरा ही होना है, तो मेरा भी हक है इस पे। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी मरता नहीं। ओ ग्राम विकास अधिकारी हो, कोई भगवान नहीं। दो दिन खाना नहीं दूंगी ना, लाइन पे आ जाओगे। अरे तुम्हारे हाथ का खाना खा के तुम लोग वैसे ही मर जाएंगे एक दिन। मेरे दिल की बात कह दी सुपुत्र तुमने। हाँ तो फिर ठीक है, अब ना खुद ही करो अपना काम। अब मैं फेल हो गया हूँ, तुम दोनों को कॉलेज में बुलाया है। फेल हो गया? एक ग्राम विकास अधिकारी का बेटा फेल हो गया? अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इस समाज को? जैसा तुम्हारा मुंह है ना, तुम्हें तो वैसे भी शर्म आनी चाहिए मुंह दिखाने में। अगर इतना ही राजा मुराद की तरह मुंह था मेरा तो क्यों करी मेरे से शादी? तंखुआ देखकर करी थी, वरना जैसी शक्ल है ना तुम्हारी, गली की कुतिया भी शादी ना करे। ओ, तुम दोनों का मुंह कहीं दिखाने लायक नहीं है। अरे तुम दोनों में से कोई एक भी आदमी स्मार्ट होता तो आज मैं भी थोड़ा हैंडसम दिखता, लड़कियां लाइन लगा के पीछे खड़ी होती मेरी। कम से कम मैं 55,000 रुपए कमाता हूँ तो इसलिए मेरे को ये मिल भी गई, तुम्हारे लिए तो कोई खरीद ही नहीं पड़ेगी। अरे जाओ जाओ, मेरे कॉलेज में 3 साल बचे हैं और तुम्हारे रिटायरमेंट में, थोड़ा संभाल के बोलो समझे, टकला नहीं तो। बदतमीज, मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझको। बड़ी जायदाद है तुम्हारे पास, एक साड़ी मांग लूं ना तभी 4 लोन गिनवाने लगते हो। तो लोन भी ऐसे नहीं लिया, इसकी पढ़ाई के लिए लिया है। अरे जब पढ़ा लिखा नहीं सकते थे तो मुझे पैदा क्यों किया? वो तो बाद में पैदा हुआ है, तुमने मेरे लिए क्या किया आज तक ये बताओ। अरे सबसे पहले तो मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। लोग थर थर कांपते हैं, जहाँ मैं बैठूं वहाँ लोग खड़े रहते हैं, लेकिन इस घर में एक चपरासी से ज्यादा मुझे कुछ नहीं समझा जाता। हाँ तो वो तो समझेंगे। अरे गली का कुत्ता भी इतनी बार नहीं भौंकता जितना दिन में तुम 4 बार गिनवा देते हो। मैं ग्राम विकास भिखारी हूँ। ग्राम विकास अधिकारी होता है वो। अरे लो बोल दिया ग्राम विकास अधिकारी, क्या बदल गया बताओ? नहीं बताओ मुझे बदला क्या है? क्या हम ताज में बैठ गए? नहीं रेडिसन की थाली लग गई हमारे सामने, या हम मैं हायाबुसा पे चल रहा हूँ? क्या बदल गया? ये सारे फसाद की जड़ ये साला 55,000 रुपया है। जिस दिन लाओ उसी दिन इस घर में ड्रामा शुरू हो जाता है। आज इसको आग ही लगा देता हूँ। राशन पानी दूध सबका बिल देना, ऐसे कैसे जला दोगे? कोचिंग की फीस भी तो बची हुई है। अरे मत पढ़ तू, फीस देनी है, घर पे आ जाएगा।
भाग जा जिम वाले के साथ। भाग जाओ, पैसे तो दे दे। अरे नहीं पिताजी, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मत करो, सब दे दो, पैसा दे दो, पैसा। मैं अच्छा नहीं हूँ, भाग यहाँ से। अरे तुम्हारे बाल अच्छे, टकला नहीं बोलूंगा कभी। अरे मैं टकला हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे साथ धोखा करता। अरे नहीं हो टकले तुम। अरे हट जा, तू मेरी औलाद ही नहीं है। अरे जिम वाला गया तेल लगाने, हटा। अरे मैं अपनी गर्लफ्रेंड भी तुम्हें दे दूंगा, तुम दे दो, मत जलाओ, मत जलाओ। ये मिली है, ये सबसे ज्यादा सिर दर्द है गर्लफ्रेंड जो मार। इसको मार दो ना बुढ़िया को, मर बुढ़िया। इसको तो मारूंगा मैं, तेरे को भी मारूंगा। मारो, पहले पैसे दो,